आज का विषय है प्रयोगवाद। प्रगतिवादी कवियों ने ही प्रगतिवाद पर दो आरोप लगाने शुरू कर दिए। प्रथम, प्रगतिवाद संकीर्णतावादी आंदोलन है, और दूसरा, लेखकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर उसे खास विचारधारा के घेरे में बांध देता है। और प्रगतिवाद का विरोध करने वाले प्रगतिवादी कवि थे नरेंद्र शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, निमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे आदि। 1943 में अज्ञेय ने प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक का संपादन किया। प्रथम नहीं है, अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया और इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि ये कवि राहों के अन्वेषी हैं। और इसी के साथ हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। यदि आपको प्रश्न आ जाए कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो उत्तर होगा अज्ञेय। इन पर एक और प्रश्न भी आ सकता है कि यह अज्ञेय नाम उन्हें किसने दिया। उत्तर होना चाहिए जैनेन्द्र कुमार जैन ने। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, ये भी आप याद रखें, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय। फिर आपको ये प्रश्न आ जाए कि यायावरी किसे पसंद थी, तो उत्तर होगा अज्ञेय। प्रयोगवाद का शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंदोलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया और इसे परिभाषित करने का प्रयास भी किया। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, प्रयोगवाद मेरे रूप प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक, जिसमें थोड़े थोड़े अंतर के साथ अनेक ह्रासोन्मुखी मध्यवर्गीय मनोवृत्तियों और विचारधाराओं का समावेश हो गया। डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने माना कि इसमें क्षणों की अनुभूतियों की प्रधानता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रयोगवाद में ठोस बौद्धिक तत्व का बोझिलापन है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा, प्रयोगवाद रूढ़ी का विरोधी और अन्वेषक का समर्थक है। अज्ञेय ने माना कि प्रयोगशील कविता में नए सत्यों का तथा नई यथार्थताओं का जीवित बोध है। अज्ञेय की कविता की कुछ पंक्तियां भी याद आ रही हैं। मैं आधुनिक हूं, नया हूं, कवि हूं, काव्य तत्व की खोज में कहां नहीं गया हूं, मैं चाहता हूं कि लोग एक एक शब्द सराहते हुए पढ़ें। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन हैं? अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध। प्रतीक पत्रिका से प्रयोगवाद को बल मिला। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और यहीं से प्रयोगवादी कविता नई कविता की ओर मुड़ जाती है। इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल ने नई कविता आंदोलन का सूत्रपात किया। अब आपको एक और प्रश्न आ सकता है कि तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक, इनके कवियों के नाम बतलाएं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमुक कवि किस तार सप्तक के हैं,
या अमुक कवि किस तार सप्तक के नहीं है, ये आपको कंठस्थ कर लेने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम तार सप्तक